डेफिनेटली आप एंजॉय करेंगे इस एपिसोड को. राजन के रूप में हीरो को जब देखेंगे गाने पर डांस करते हुए, हीरोइन कैसे तड़पती है हीरो से मिलने के लिए, और ये सारा वाक्या होता है, तो इट्स रियली इंटरेस्टिंग. अच्छा राजन में जाने लगे, जिस तरह से मुंबई में से तमाम स्टार तम बहुत लोग आते हैं, एक सपना लेके आता है कि उन्हें एक स्टार बनना है, तो क्या आपने भी सपना लेगा, तो आपको भी स्ट्रगल करना पड़ा मुंबई में? बहुत. ये जो जिम्मेदारी हमें चिड़ियाघर की तरफ से मिला अभिनेता के तौर पर, ये मुझे लगता है तकरीबन 2-3 साल के एक्सपीरियंस के बाद, स्ट्रगल करते हुए हमने इनके लिए काम किया, इनके और प्रोडक्शंस के लिए काम किया, तब जाकर इनको लगा कि नहीं, ये कैरेक्टर राजन के लिए जो हीरो का कैरेक्टर है वो फिट है, तो इन्होंने फिर इन चीज़ों के लिए हमें बुलाया. और बड़ा मज़ा आया ये एपिसोड करके, बहुत अच्छा लग रहा है. चिड़ियाघर का पूरा परिवार जो लोगों को हंसाते हैं वो हमारे एक्टिंग से हंस रहे हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है. एक्टिंग की शुरुआत कहाँ से की आपने, कब से एक्टिंग स्टार्ट करने लगा, कि आपको लगा कि हाँ एक्टिंग करना चाहिए, कहाँ से इंटरेस्ट बढ़ा? चार्ली चैपलिन द्वितीय के रूप में लोग मुझे जानते हैं, उस कैरेक्टर को करते करते हमने कैसे फिल्म और टेलीविजन शुरू किया. अभी दर्शक अगस्त में मेरी फिल्म देखेंगे शहर मसीहा नहीं, ये हिंदी फिल्म है जिसका हीरो मैं ही हूँ, और बहुत ही मज़ेदार फिल्म बनी है. तो ये सफ़र जो है वो स्ट्रगल के दौर से चलता हुआ यहाँ तक आया, और फिल्म सिटी जो आप देख रहे हैं, ये खूबसूरत लेक का जो हमारा एरिया है फिल्म सिटी का, ये अब लगता है कि अपना घर सा हो, यहाँ सब कुछ अपना अपना सा है, और दर्शक भी इन चीज़ों को अच्छे से समझते हैं, क्योंकि फिल्म सिटी बहुत मायने रखता है सबके लिए. और मेरा स्ट्रगल बिल्कुल सही दिशा में है, और अभी भी मुझे बहुत अच्छे रोल का इंतज़ार है जहाँ मैं अपनी एबिलिटी को दिखा सकूँ, अपने एक्टिंग को दर्शकों के सामने ला सकूँ, ये कोशिश है हमारी. राजन जी, जिस तरह से आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है चिड़ियाघर में आके, तो किस तरह से के लिए कोई खास तैयारी की है इस शो से जुड़ने के लिए, कि जिस तरह से कॉमेडी कोई तैयारी करके आए कि सिर्फ? बिल्कुल, क्योंकि ये कॉमेडी सीरियल है, और पिछले कई सालों से ऑडियंस इस सीरियल को अच्छे से देख रही है, इसकी TRP भी बहुत अच्छी है मार्केट में, तो ऐसे में तैयारी तो अभिनेता के तौर पर नित हमें करना होता है. और जहाँ तक कॉमेडी की बात है, इट्स रियली डिफ़िकल्ट टू मेक पीपल लाफ, लोगों को हंसाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, और हमारी कोशिश है कि हम अपने जेस्चर से, हम अपने डायलॉग्स डिलीवरी से, हम अपने एक्टिंग से पंच लाएँ और ऑडियंस एंजॉय करें. अभी आपने कहा कि आपकी फिल्म आ रही है, आप टेलीविज़न से भी जुड़े हुए हैं, तो ऐसा तो नहीं कि ये फिल्मों में आने वाली फिल्में चल गई तो टेलीविज़न को बाय बाय? बिल्कुल नहीं, टेलीविज़न का अपना एक बड़ा मास है, और इसकी ऑडियंस भी बृहद लेवल पे, हम अगर यहाँ आपके सामने अगर इंटरव्यू हम कर रहे हैं, तो ये पूरा देश, दुनिया के कई देशों में लोग देखते हैं, तो हम टीवी को तो छोड़ ही नहीं सकते हैं. टीवी तो बिल्कुल एक अभिनेता के लिए मुझे लगता है कि एक अच्छा मीडियम है, जहां हम अपने अभिनय को डायरेक्टली ऑडियंस के बेडरूम और ड्राइंग रूम तक पहुंचाते हैं. फिल्म अपनी जगह है, फिल्म हमारी और भी रही है, लेकिन ये फिल्म से ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि हमने इस फिल्म में हीरो के तौर पर काम किया है, लीड एक्टर के रूप में काम किया है, और ये स्ट्रगल की कहानी है, शहर मसीहा नहीं. और डेफिनेटली जहाँ तक मेरा ख्याल है, जो मैंने अभिनय किया है उसमें, तो लोगों को पसंद आएगा, उसमें ग्रिप बहुत अच्छा है. अच्छा, चिड़ियाघर के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? इट्स वेरी कॉमेडी काइंड ऑफ सीरियल, आप मिस मत करना, खास तौर से हमारा जो हीरो वाला एपिसोड है उसको जरूर देखना, और हम ऐसे ही आपसे रूबरू होते रहेंगे. चिड़ियाघर वाकई एक बहुत ही अच्छा सीरियल है, उसके सारे कैरेक्टर बहुत अच्छे हैं, आप सब इंजॉय करें. हैव अ नाइस इवनिंग. थैंक यू. आजकल के यूथ के लिए काफ़ी अच्छा है, जो कहा गया है यूथ इज़ द फ्यूचर.